जब आप न्यू लॉन्च कंपनी में होते हैं या न्यू लॉन्च प्रोडक्ट के साथ वर्किंग करते हैं, ऐसी किसी भी कंपनी में जाते हैं तो आपको दिक्कत आती है अधिकतर ऑर्डर लेवल लेने पे। ऑर्डर लेने पे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है क्योंकि हर एक प्रोडक्ट नया होता है और उस प्रोडक्ट की खासियत आपको बतानी होती है रिटेलर्स को, ताकि वो उस प्रोडक्ट को ले पाए, रख पाए। और साथ ही साथ उस दुकानदार को भी समझाना होता है कि वो इस प्रोडक्ट को क्या चीज बता के बेचेगा, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी पहले से कोई ना कोई प्रोडक्ट चल रहे होते हैं और उनको बताना नहीं पड़ता उस प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन जब भी वो नया प्रोडक्ट रखेंगे तो उनको बताना पड़ता है। साथ ही आपको भी ऑर्डर लेने में बहुत ही तकलीफ होती है, बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। और न्यू लॉन्च कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सभी नए होते हैं, तो सभी पे उतना ही दम लगाना पड़ता है। अब इसमें दिक्कत कई जगह क्या आती है, कई जगह दुकानदार को उतना टाइम नहीं होता, या दुकानदार की एक आदत होती है कि मैं इतना प्रोडक्ट समझने में इतना टाइम क्यों दूं इस सेल्समैन को, जबकि ये प्रोडक्ट नया है और मुझे कोई खास बचत भी नहीं है। तो वहां पर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, समझ लो। अब ऐसे में हम जिस भी टाउन को खोल रहे थे वहां पर पहले से कोई प्रेजेंस नहीं थी हमारे प्रोडक्ट की, धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे थे और धीरे धीरे हम सेल्स टीम को रख रहे थे। उन सेल्स टीम को हमारे पास ट्रेनिंग देने का एक ही दिन होता था, जिस दिन हम उसको किट और उसका जो डॉक्यूमेंटेशन करते थे अपने हेड ऑफिस पर, उस दिन उसको ट्रेनिंग देने का हमारा एक टाइम था, एक दिन का ही टाइम रहता था। इसके अलावा जब वो मार्केट में काम करने लगता था तो एक से दो बार उसके पास एएसएम या सेल्स ऑफिसर जाता था। तो हमने उसकी लाइफ को आसान करने के लिए एक प्रोडक्ट के बारे में सोचा, और मैंने ऐसा कई सारी कंपनी में देख रखा था। वन पेज का होता है और इसपे सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, सारे प्रोडक्ट की, साथ ही प्रोडक्ट का जो फोटो होता है वो भी होता है, और प्रोडक्ट की जो खासियत होती है, यूएसपी होती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो इंफॉर्मेशन भी यहां पर दी होती है। इससे क्या होता है कि ये पूरे दिन, ये जो लीफलेट होता है ये पूरे दिन उस सेल्समैन के साथ रहता है, वो इसको पढ़ भी सकता है, और साथ ही साथ जब किसी शॉप पर जाएगा, रिटेलर से बात करेगा, तो ऐसे समझाने में, इसको दिखा के समझाने में ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा इंफॉर्मेशन वो रिटेलर्स गेन करेगा, और बहुत ही थोड़े समय में वो सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देख सकता है। तो ये हमारे बहुत काम आया, और इसको जो हमने बनवाया था सिर्फ 20 रुपए कॉस्ट आई थी, और हमने इसे होलसेल में ही काफी सारे 100 पीस इसको बना के, डिजाइन बना के खुद से ही डिजाइन बनाया, और 100 पीस इसके करवाए, और इसको हमने लेमिनेट करवा दिया, हार्ड लेमिनेट करवा दिया। और ये मेरे पास आज पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में बताता हूं। तो नई कंपनियां खास तौर से ऐसी चीजें बहुत सारी करती हैं, पुरानी जो कंपनियां हैं स्टेब्लिश हो चुकी हैं, उनके प्रोडक्ट रेंज ज्यादा है, वो एक बुकलेट छपवाती हैं, ज्यादा ज्यादा बुक्स के टाइप में होती है। तो हमारे प्रोडक्ट कम थे, इसी पेज पे आ गए थे, 4 इधर और 4 इधर, तो ये प्रोडक्ट थे और इसकी खासियत थी। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स दी गई है, किस तरीके से, चलिए देखते हैं। तो यहां पर हमारा एक ये प्रोडक्ट था आर्थोशक्ति करके, आयुर्वेदिक ऑयल था जैसे नवरत्न होता है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा अच्छा था क्योंकि ये जोड़ों के दर्द में काफी काम आता। तो इसकी हमने यूएसपी यहां पर लिख रखी है, यूनिक सेलिंग प्राइस पॉइंट। और यहां पर ये हमारा एक ऑयल था कैंथ्रा रिच केस ऑयल, हेयर ऑयल था, हेयर ऑयल में 2 वेराइटी थी, इसमें ओमेगा 3 और विटामिन ई की मात्रा ज्यादा थी। इसके अलावा हमारे पास ये शैम्पू था, इसमें हमने उसका जो मेन मेन बातें हैं वो लिख रखी हैं, ताकि वो सेल्समैन को भी रट जाए और दुकानदार भी एक ही नजर में सारी चीजें देख ले, अगर उसके पास टाइम नहीं है तो। ये हमारा एक डीओ था, इसको हमने ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह बेचा। ये एक पाउडर था, प्रोटीन पाउडर, रेगुलर प्रोटीन पाउडर था। ये बी फ्री सैनिटरी पैड था, ये डेंटोरिच टूथपेस्ट था, और साथ ही ब्रश भी लॉन्च किया था। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन हमने दे रखी थी। इससे क्या होता था कि कुछ भी भूलने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती थी, और बिना किसी ट्रेनिंग के जो सेल्स पर्सन था, न्यू ज्वाइनिंग था, उसको सारी चीजें उसके सामने रहती, तो वो खाली समय में उसको पढ़ भी सकता था और दुकानदार देख के भी, और जब वो बातें करता था तो उससे भी काफी अच्छी समझ में आ जाती थी। ये आइडिया हमें कहां से आया? देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों में काफी सारे जो सेल्स पर्सन होते हैं
वो इस तरह की लीफलेट छपवा लेते हैं खुद से अपने पैसे खर्च करके। हमारे एक सीनियर ऐसा ही करते थे, कंपनी वो नहीं देती थी, कंपनी एक बुकलेट देती थी, वो बुकलेट बहुत मोटी होती थी और किताब की तरह उसे पलटना पड़ता था, यानी कि अगर दुकानदार के सामने रख दिया दुकानदार मोटी किताब देख के ही दूर भाग जाता था। तो उन्होंने क्या करा था, वन पेज का ऐसा ही लीफलेट छपवाया था, उस पर कुछ मेजर प्रोडक्ट डाल रखे थे और उनके बारे में, और ज्यादा प्रोडक्ट नहीं डाले थे। तो उससे क्या था, उनको अपने बैग में ढोने में भी आसानी रहती थी, ले जाने में भी आसानी रहती थी और समझाने में भी आसानी रहती थी। साथ ही वो कोई उनकी टीम में कोई आता, वो सेल्स ऑफिसर थे, उनकी टीम में कोई भी आता था तो उसको वो एक पेज वो दे देते थे अपनी तरफ से। तो उन्होंने वो उनकी खुद की क्रिएटिविटी थी अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो एक तरह से ये वीडियो आपके इसलिए भी है कि भाई हर चीज कंपनी ही नहीं करती, खुद से भी कुछ क्रिएटिविटी करनी पड़ती है ताकि आप किसी बड़ी पोस्ट पर जाएंगे तो वहां पर अपनी क्रिएटिविटी, अपने दिमाग से आप सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं इसका आइडिया पहले से ही आपको रहेगा। तो ये आइडिया मैंने देख रखा था, इसीलिए मैंने इस कंपनी में इस तरह का ये कराया। केवल 20 रुपए के एक लीफलेट थी, अगर इसको सेल्समैन खो भी देता था तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम हर दूसरे तीसरे महीने हर सेल्समैन को कम से कम 3 ये लीफलेट हर महीने भेजते थे, और जब उसकी ज्वाइनिंग होती थी तो उसको 5 लीफलेट देते थे, एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देना, 2 अपने पास रखना, जब भी कोई घिस पिट जाए पुराना हो जाए तो उसको रिटेलर के सामने मत निकालना, नया वाला यूज करना, ठीक है, संभाल के रखना। तो इस तरह से हमने कई दे रखी थी और हर 3 महीने पे 3 और लीफलेट उसे भेजते थे, डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और सेल्समैन के लिए। इससे हमारी जो सेल्स बढ़ी वो कम से कम 10-15% फास्ट हो गई, यानी और इंक्रीज हो गई। साथ ही साथ हम अब किसी भी सेल्समैन से कुछ भी पूछते थे तो वो प्रोडक्ट की खासियत के बारे में बता पाता था और किस तरह से उसे कॉल करनी है उसको भी आइडिया आ जाता था, और एक तरह से उसको मोरल सपोर्ट मिलता था इस लीफलेट से। अगर वो कुछ भूल रहा है या कुछ उसे याद नहीं आ रहा तो सामने देख के दुकानदार कुछ पढ़ता भी रहता था, उसको याद भी आ जाता, तो वो एक सपोर्ट की तरह भी काम करता था। इस तरह से सेल बूस्ट हुई थी। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि आप अपनी सेल को कैसे बूस्ट कर सकते हैं अपने खुद सेल्फ आइडिया से या कंपनी के सेल्फ आइडिया से। तो यहां पर सारी चीज देखो, सेल्स हर एक लड़की के पास वही सामान होता है, वही प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन सब लोग अलग अलग अपनी टेरिटरी में सेल्स करते हैं। सेल्स करने में बहुत सारी चीजें फैक्टर करती है कि वहां पर किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह का एरिया है, किस तरह की दुकानें हैं, ये सारी चीजें। लेकिन कुछ 50% जो सेल्स को बूस्ट करा जाता है वो खुद के भी आइडिया होते हैं और खुद की भी अपनी पर्सनैलिटी होती है कि हम किस तरह से काम करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।